शांति। आज की तारीख है 24/3/15 और आज की ज्ञान मुरली का शीर्षक है मीठे मीठे बाप दादा कहते हैं मीठे बच्चे अभी तुम पुरानी दुनिया के गेट से निकलकर शांति धाम और सुख धाम में जा रहे हो। बाप ही मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताते हैं। अच्छा प्रश्न है आज का, वर्तमान समय सबसे अच्छा कर्म कौन सा है? उत्तर है सबसे अच्छा कर्म है मनसा वाचा कर्मणा अंधों की लाठी बनना। तुम बच्चों को विचार सागर मंथन करना चाहिए कि ऐसा कौन सा शब्द लिखें जो मनुष्यों को घर का, मुक्ति का और जीवन मुक्ति का रास्ता मिल जाए। मनुष्य सहज समझ ले कि यहाँ शांति और सुख की दुनिया में जाने का रास्ता बताया जाता है। मुरली की शुरुआत ओम शांति शिव भगवान उवाच ब्रह्मा बाबा के द्वारा। जादूगर की बत्ती सुना है, अलाउद्दीन की बत्ती भी गाई जाती है, अलाउद्दीन का चिराग गाया जाता है। तो अलाउद्दीन की बत्ती व जादूगर की बत्ती क्या क्या दिखाती है? अलाउद्दीन का चिराग कहते हैं घिसने से वो जैसे जिन आकर के हाजिर हो जाता है, फिर जो मांगो जो कहो वो दिखाता है, जो मांगो वो देता है। तो बाबा कहते हैं वैकुंठ स्वर्ग और सुखधाम। तो बत्ती को प्रकाश कहा जाता है। अभी तो अंधियारा है ना, अब ये जो प्रकाश दिखाने के लिए बच्चे प्रदर्शनी और मेले करते हैं, इतना खर्चा करते हैं, माथा मारते हैं, बाबा से भी पूछते हैं कि बाबा इनका नाम क्या रखें, समझो मेला रखते हैं तो उनका नाम क्या रखें, बड़ी बड़ी प्रदर्शनी करते क्या नाम रखें। तो यहाँ बॉम्बे को कहते हैं गेटवे ऑफ इंडिया। स्टीमर पहले बॉम्बे में ही आते हैं, दिल्ली में भी इंडिया गेट है, अब अपना ये है गेट ऑफ मुक्ति जीवन मुक्ति। दो गेट्स है ना, एक है मुक्ति का, दूसरा है जीवन मुक्ति का। हमेशा गेट दो होते हैं, एक इन दूसरा आउट, एक से आना दूसरे से जाना। तो ये भी ऐसे हैं। बाबा देखो कितना सरल तरीके से हम बच्चों की बुद्धि में सहज बैठ जाए, ऐसे हम बच्चों को समझाते हैं। तो ये भी बाबा कहते ऐसे हैं, हम नई दुनिया में आते हैं फिर पुरानी दुनिया से बाहर निकल अपने घर पे चले जाते हैं, परंतु वापस आप ही तो हम नहीं जा सकते क्योंकि घर को हम भूल गए हैं, इसलिए हमको गाइड चाहिए। वह भी हमको मिला है जो हमको रास्ता बताते हैं। बच्चे जानते हैं कि बाबा हमको गाइड के रूप में मिला है मुक्ति जीवन मुक्ति शांति और सुख का रास्ता बताते हैं। तो गेट ऑफ शांति धाम सुख धाम लिखें। विचार सागर मंथन करना होता है ना, बहुत ख्यालात चलते हैं कि मुक्ति जीवन मुक्ति किसको कहा जाता है वो भी कोई को पता नहीं है, शांति और सुख भी तो सभी चाहते हैं शांति भी हो और धन दौलत भी हो, अब वो तो होता ही है सत्ययुग में। तो नाम लिख दे, बाबा कहते हैं गेट ऑफ शांति धाम और सुख धाम अथवा गेट ऑफ प्योरिटी पीस और प्रॉस्पेरिटी। तो ये तो अच्छे अक्षर है ना, तीनों ही यहाँ नहीं है, माना बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में इन तीनों की अप्राप्ति है, तो इस पर भी समझाना पड़े। नई दुनिया में ये सब था, नई दुनिया की स्थापना करने वाला है पतित पावन गॉडफादर,
तो जरूर हमको इस पुरानी दुनिया से निकलकर घर जाना पड़े। तो गेट हो गया ना प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी का। बाबा को ये नाम अच्छा लगता है। अब वास्तव में उसकी ओपनिंग तो शिव बाबा करते हैं। हाँ, बाबा कहते हैं ये जो प्योरिटी, पीस और प्रॉस्पेरिटी बाबा देते हैं तो उसका गेट ये है। तो बाबा को ये नाम अच्छा लगता है, परंतु वास्तव में प्योरिटी, पीस, प्रॉस्पेरिटी जहाँ पर है उसकी ओपनिंग, यानी वो दुनिया की ओपनिंग कौन करता है? वास्तव में तो शिव बाबा करते हैं, परंतु हम ब्राह्मणों के द्वारा कराते हैं। तो दुनिया में ओपनिंग सेरेमनी तो बहुत होती रहती है ना। कोई हॉस्पिटल की करेंगे, कोई यूनिवर्सिटी की करेंगे, परंतु यहाँ तो एक ही बार होती है और वो इस ही समय होती है। इसलिए विचार किया जाता है, बच्चों ने लिखा कि ब्रह्मा बाबा आकर उद्घाटन कराए, बाप दादा दोनों को बुलाए। बाप कहते हैं कि तुम बाहर कहीं जा नहीं सकते। देखो बाबा अपने घर की बात और अपने आपस में शिव बाबा की और ब्रह्मा बाबा की जो बात होती है वो बताते हैं। जब पहली पहली प्रदर्शनी बनाई गई और वो प्रदर्शनी लगाई गई तो मुंबई के अंदर ये प्रदर्शनी लगाई गई, तो स्वाभाविक है कि अंदर में मन करा, बाबा भी थे वहां पर ब्रह्मा बाबा, तो इसीलिए ब्रह्मा बाबा को ही कहा गया, निमंत्रण दिया बच्चों ने बड़े प्यार से कि बाबा आप आकर के इस प्रदर्शनी का उद्घाटन करें। तो ब्रह्मा बाबा ने शिव बाबा से बात की, तो बाबा कहते हैं, ब्रह्मा बाबा कहते हैं कि शिव बाबा ने कहा तुम कहीं बाहर जा नहीं सकते, उद्घाटन करने के लिए जाएं विवेक नहीं कहता, कायदा नहीं। बाबा कहते हैं कि तुमको बाबा एक प्रदर्शनी के उद्घाटन के लिए भेजे, ये विवेक नहीं कहता और कायदा भी नहीं कि ब्रह्मा बाप कहीं इस प्रकार से बाहर जावे, ये तो कोई भी खोल सकते हैं। बाबा कहते हैं ब्रह्मा बाबा क्यों, कोई भी बड़ी बड़े आदमी को बुला करके ओपनिंग करा सकते हैं, फिर अखबार में भी पड़ेगा। अगर कोई बड़ा वीआईपी आएगा और प्रदर्शनी का उद्घाटन करेगा तो बाबा कहते हैं वो अखबार में भी पड़ेगा कि प्रजापिता, ब्रह्मा कुमार, कुमारियां, ये नाम भी बड़ा अच्छा है ना। प्रजापिता तो सभी का बाप हो गया, वो कोई कम है क्या? हाँ, बाबा कहते हैं प्रजापिता ब्रह्मा वो भी सभी का बाप है, तो वो कोई कम तो नहीं है। माना बाबा इसलिए बता रहे हैं कि बाबा बहुत बड़े ते बड़ा है, और फिर बाप खुद सेरेमनी कराते हैं। बाबा कहते हैं मैं खुद सेरेमनी कराता हूँ, कौन सी? नई दुनिया के गेट को खोलने की। क्योंकि बाबा करण करावन हार है ना, तो बुद्धि में रहना चाहिए ना कि हम स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तो कितना पुरुषार्थ कर श्रीमत पर चलना चाहिए। वर्तमान समय मनसा वाचा कर्मणा, सबसे अच्छा कर्म तो एक ही है, वो कौन सा कर्म? तो बाबा कहते हैं अंधों की लाठी बनना, अर्थात जो ज्ञान के नेत्रहीन बच्चे हैं उनको मुक्ति और जीवन मुक्ति का रास्ता बताना। गाते भी हैं हे प्रभु अंधों की लाठी, सब अंधे ही अंधे हैं, तो बाप आकर लाठी बनते हैं, ज्ञान का तीसरा नेत्र देते हैं, जिससे तुम स्वर्ग में नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार जाते हो। नंबरवार तो है ही, ये बहुत बड़ी बेहद की हॉस्पिटल कम यूनिवर्सिटी है। समझाया जाता है आत्माओं का बाप परमपिता परमात्मा पतित पावन है, तुम उस बाप को याद करो तो सुख धाम में चले जाएंगे। ये है हेल, माना नरक, इनको हेवन नहीं कहेंगे। हाँ, वर्तमान दुनिया जो चल रही है क्या ऐसी दुनिया को स्वर्ग कहेंगे?
हेवन में है ही एक धर्म, स्वर्ग में एक ही धर्म। भारत स्वर्ग था तो दूसरा कोई धर्म नहीं था। ये सिर्फ याद करें, यह भी मन मना भव है। बाबा कहते अगर ये भी बातें याद करें तो वो भी बाबा की याद है, मन मना भव है। हम स्वर्ग में सारे विश्व के मालिक थे, इतना भी याद नहीं पड़ता है। बुद्धि में है कि हमको बाप मिला है तो वो खुशी रहनी चाहिए, परंतु माया भी कम नहीं है। ऐसे बाप का बनकर फिर भी इतनी खुशी में नहीं रहते हैं, घुटके खाते रहते हैं। माया घड़ी घड़ी बहुत घुटके खिलाती है, माना व्यर्थ में चले जाते हैं, व्यर्थ सोचते, व्यर्थ बोलते, व्यर्थ चिंतन करते। तो बाबा कहते हैं बहुत माया घुटके खिलाती है, शिव बाबा की याद भुला देती है। खुद भी कहते हैं कि याद ठहरती नहीं है। बाप गुटका खिलाते हैं ज्ञान सागर में, और माया फिर गुटका खिलाती है विषय सागर में। बड़ा खुशी से गुटका खाने लग पड़ते हैं। बाबा कहते हैं कई बच्चे तो विषय सागर में भी माया जब उनको गुटका खिलाती है तो बड़ा खुशी से खाने लग पड़ते हैं। बाप कहते हैं शिव बाबा को याद करो। हाँ, बाबा कहते घुटके मत खाओ, शिव बाबा को याद करो। माया लेकिन फिर भी भुला देती है, बाप को याद ही नहीं करते, क्योंकि बाप को जानते नहीं। बाबा कहते यथार्थ जानते तो घुटका नहीं खाते, बाप को याद करते। दुख हरता सुख करता तो परम पिता परमात्मा है ना, वो है ही दुख हरने वाला, तो जरूर घुटकों से भी छुड़ाएगा। वो फिर गंगा में जाकर डुबकी लगाते हैं, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। सतयुग में गंगा को दुख हरनी पाप कर कटनी ऐसा नहीं कहेंगे, वहां तो गंगा बड़ी स्वच्छ होगी और वहां कोई पतित ही नहीं जो पतित से पावन होने के लिए गंगा स्नान करे। मीठे मीठे बाबा कहते हैं कि साधु संत आदि सब जाकर नदियों के किनारे बैठते हैं, सागर के किनारे क्यों नहीं बैठते? अभी तुम बच्चे सागर के किनारे बैठते हो, ढेर के ढेर बच्चे सागर के पास आते हैं, फिर समझते हैं कि सागर से निकली हुई ये छोटी बड़ी नदियां भी है, बड़ी बड़ी नदियां भी हैं, ब्रह्मपुत्रा सिंधु सरस्वती ये भी नाम रखे हुए हैं। बाप समझाते हैं कि बच्चे तुम्हें मनसा वाचा कर्मणा बहुत बहुत ध्यान रखना है, कभी भी तुम्हें क्रोध नहीं आना चाहिए। हाँ, अभी बाबा हमें विशेष धारणा की बात बताते हुए कहते हैं कि बहुत अपना ध्यान रखना है, कभी भी क्रोध नहीं आना चाहिए। क्रोध पहले मनसा में आता, फिर वाचा और फिर कर्मणा में भी आ जाता है, ये तीन खिड़कियां हैं। इसलिए बाप समझाते हैं कि मीठे बच्चे वाचा अधिक नहीं चलाओ, शांत में रहो, वाचा में आए तो कर्मणा में आ जाएगा। तो गुस्सा पहले मनसा में आता है, फिर वाचा और कर्मणा में आता है, तीनों खिड़कियों से निकलता है। पहले मनसा में आएगा, दुनिया वाले तो एक दो को दुखी देते रहते हैं, लड़ते झगड़ते रहते, तुमको तो कोई को भी दुख नहीं देना है, ख्याल भी नहीं आना चाहिए। दुख देने की बात तो छोड़ो, लेकिन बाबा कहते हैं ख्याल भी यानी विचार भी संकल्प भी नहीं आना चाहिए कि किसी को दुख दें, साइलेंस में रहना बड़ा अच्छा है। तो बाप आकर स्वर्ग का अथवा सुख और शांति का गेट बतलाते हैं, बच्चों को ही बतलाते हैं, बच्चों को कहते हैं तुम भी औरों को बतलाओ। प्योरिटी पीस प्रॉस्पेरिटी होती ही स्वर्ग में है, वहां कैसे जाते हैं
वो समझाना है। हर एक को पवित्र बनना जरूरी है, शांति जीवन में चाहिए और धन भी जीवन में चाहिए। तो बाबा कहते हैं कैसे वहां जाएं, कैसे ये सब प्राप्त करें। बाबा का विचार सागर मंथन तो चलता है ना, कि क्या नाम रखें। सवेरे विचार सागर मंथन करने से मक्खन निकलता है। हाँ, मक्खन माना बहुत अच्छी अच्छी बातें, अच्छे अच्छे सुझाव उस समय बुद्धि में आते हैं, अच्छी राय निकलती है। तब बाप कहते हैं सवेरे सवेरे उठकर बाप को याद करो, विचार सागर मंथन करो कि क्या नाम रखा जाए। विचार करना चाहिए, कोई का अच्छा विचार भी निकलता है। अब तुम समझते हो कि पतित को पावन बनाना माना नरकवासी से स्वर्गवासी बनाना। देवताएं पावन हैं, तब तो उनके आगे माथा टेकते हैं। बाबा कहते हैं कि तुम बच्चे अभी किसी के भी आगे माथा नहीं टेक सकते हो, कायदा नहीं। बाबा के बच्चे बन गए ना, फिर ईश्वरीय कायदा हमें ये करने से रोकता है, बाकी युक्ति से चलना होता है। साधु लोग अपने को ऊंच और पवित्र समझते हैं और औरों को अपवित्र और नीच समझते हैं। तो बाबा कहते हैं तुम भले जानते हो कि हम सबसे ऊंच हैं, परंतु कोई हाथ जोड़े तो रेस्पॉन्ड देना पड़े। हरि ओम तत्सत करते हैं तो करना पड़े, युक्ति से नहीं चलेंगे तो वो हाथ नहीं आएंगे। बड़ी युक्तियां चाहिए। जब मौत सिर पर आता है तो सभी भगवान का नाम लेते हैं। आजकल इत्फाक तो बहुत होते रहेंगे। आहिस्ते आहिस्ते आग फैलती है, आग शुरू होगी विलायत से, फिर आहिस्ते आहिस्ते सारी दुनिया जल जाएगी। बाबा कहते ये विनाश की जो आग है उसकी शुरुआत जो है वो विदेश से होगी, फिर धीरे 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 विनाश नजदीक आते आते फिर भारत की ओर भी आएगा। पिछाड़ी में तुम बच्चे ही रह जाते हो, तुम्हारी आत्मा पवित्र हो जाती है तो फिर तुमको वहाँ नई दुनिया मिलती है। दुनिया का नया नोट तुम बच्चों को मिलता है। जैसे नई नई नोटें निकलती है ना, तो बाबा कहते हैं कि नई दुनिया रूपी नोट हाँ वो किसको मिलती है। बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ही वो मिलता है, अर्थात नई दुनिया स्वर्ग हम बच्चों को ही प्राप्त होता है। तुम राज्य करते हो। अलाउद्दीन की बत्ती भी मशहूर है ना, नोट ऐसा करने से कारून का खजाना मिलता है। वो कहते हैं ना उसका अलाउद्दीन का चिराग घिसने से कारून का खजाना मिलता है। है भी बरोबर। तुम जानते हो अल्लाह अवलदीन झट इशारे से साक्षात्कार कराते हैं। सिर्फ तुम शिव बाबा को याद करो तो सब साक्षात्कार हो जाएंगे। नवधा भक्ति से भी साक्षात्कार होता है ना, तो यहाँ तुमको एम ऑब्जेक्ट का साक्षात्कार तो होता ही है। फिर तुम बाबा को स्वर्ग को बहुत याद करेंगे, घड़ी घड़ी देखते रहेंगे। बाबा कहते आगे चल कर के तुम बच्चे जितना बाबा को याद करते जाते हो अंत में बहुत याद करेंगे, तो घड़ी घड़ी साक्षात्कार होता रहेगा और उसमें स्वर्ग देखते रहेंगे। जो बाबा की याद में और ज्ञान में मस्त होंगे वही अंत की सभी सीन सीनरी भी देख सकेंगे। बड़ी मंजिल है। अपने को आत्मा समझ, बाप को याद करना। बाबा कहते हैं मासी का घर नहीं है। हाँ, बहुत मेहनत है, याद ही मुख्य है। जैसे बाबा दिव्य दृष्टि दाता है तो स्वयं अपने लिए दिव्य दृष्टि दाता बन जाएंगे। बाबा कहते जैसे बाबा खुद दिव्य दृष्टि का दाता है, ऐसे आप बच्चे भी आगे चलकर
मास्टर दिव्य दृष्टि दाता खुद के लिए भी बन जाएंगे। जैसे भक्ति मार्ग में तीव्र वेग से याद करते हैं तो साक्षात्कार होता है। बाबा कहते जब एकदम लगन से भक्ति मार्ग में भी यदि भगवान को याद करते हैं तो उनको भी साक्षात्कार होता है। अपनी मेहनत से जैसे दिव्य दृष्टि दाता बन जाते हैं तो तुम भी याद की मेहनत में रहेंगे तो खुशी में रहेंगे और साक्षात्कार भी होते रहेंगे। ये सारी पुरानी दुनिया भूल जाए, मन मना भव हो जाए, बाकी क्या चाहिए। योग बल से फिर तुम अपना शरीर छोड़ देते हो। भक्ति में भी मेहनत होती है, इसमें भी मेहनत चाहिए। मेहनत का रास्ता बहुत फर्स्ट क्लास बताते रहते हैं। अपने को आत्मा समझने से फिर देह का भान भी नहीं रहेगा, जैसे बाप समान बन जाएंगे। तो बाबा कहते हैं साक्षात्कार करते रहेंगे, खुशी भी बहुत रहेंगी। रिजल्ट सारी पिछाड़ी की गाई हुई है। अपने नाम रूप से भी न्यारा होना है और फिर दूसरे के नाम रूप को याद करने से क्या हालत हो। नॉलेज तो बहुत सहज है, प्राचीन भारत का योग है, जादू इसमें है। बाबा ने समझाया है ब्रह्म ज्ञानी भी ऐसे शरीर छोड़ते हैं कि हम आत्मा हैं, हमें परमात्मा में लीन होना है। लीन कोई होते नहीं है, हाँ शिव भगवान हुआ च, लीन कोई होते नहीं है, हैं ब्रह्म ज्ञानी। बाबा ने देखा है बैठे बैठे भी शरीर छोड़ देते हैं, वायुमंडल बड़ा शांत होता है, सन्नाटा हो जाता है। सन्नाटा भी उनको भासेगा जो ज्ञान मार्ग में होंगे, शांत में रहने वाले होंगे। बाकी कई बच्चे तो अभी तक बेबियां हैं, हाँ बेबी माना छोटा सा बच्चा। तो बाबा कहते कई बच्चे तो अभी तक बेबी मिसल एक्टिविटी करते हैं, माना बेबियां हैं, घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं। इसमें बहुत बहुत गुप्त मेहनत है। भक्ति मार्ग की मेहनत प्रत्यक्ष होती है। माला फेरो, कोठी में बैठ भक्ति करो, यहाँ तो चलते फिरते तुम याद में रहते हो। कोई को पता भी न पड़ सके कि ये राजा ही ले रहे हैं। योग से ही सारा हिसाब किताब चुकतू करना है। ज्ञान से थोड़े ही चुकतू होता है, हिसाब किताब चुकतू होगा याद से। कर्म भोग याद से चुकतू होंगे, ये है गुप्त। बाबा सब कुछ गुप्त सिखलाते हैं। अच्छा मीठे मीठे सिकिलधे बच्चों प्रति मात पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों का रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। अभी हम क्या सुनेंगे, धारणा के मुख्य दो बिंदु के महावाक्य। नंबर एक है मनसा वाचा और कर्मणा, कभी भी क्रोध नहीं करना है। इन तीनों खिड़कियों पर बहुत ध्यान रखना है, वाचा भी अधिक नहीं चलानी है और एक दो को दुख नहीं देना है। नंबर दो है ज्ञान और योग में मस्त रहे, अंतिम सीन सीनरी देखनी है। अपने व दूसरों के नाम रूप को भूल मैं आत्मा हूँ इस स्मृति से देह भान को समाप्त करना है। वरदान है सतगुरु बाप दादा का, अलबेलेपन की नींद को तलाक देने वाले निंद्रा जीत चक्रवर्ती भव। बाबा कहते हैं साक्षात्कार मूरत बन
भक्तों को साक्षात्कार कराने के लिए अथवा चक्रवर्ती बनने के लिए निंद्रा जीत बनो। जब विनाश काल भूलता है तब अलबेलेपन की नींद आती है। भक्तों की पुकार सुनो, दुखी आत्माओं के दुख की पुकार सुनो, प्यासी आत्माओं के प्रार्थना की आवाज सुनो, तो कभी भी अलबेलेपन की नींद नहीं आएगी। तो अब सदा जागती ज्योत बन अलबेलेपन की नींद को तलाक दो और साक्षात्कार मूरत बनो। स्लोगन है आज का, तन मन धन, मन वाणी कर्म, किसी भी प्रकार से बाप के कर्तव्य में सहयोगी बनो तो सहज योगी बन जाएंगे। अच्छा, ओम शांति।